शामली के थाना झिझाना में जमीयत उलेमा में ही सद्भावना मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ASP शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आपसी भाईचारा बना रहा। बता दें कि जमीयत उलेमा में ही तत्वावधान में एक कार्यक्रम सद्भावना मंच कस्बे मोहल्ला शेखा मैदान स्थित मस्जिद के पास किया गया, जिसमें सदारत मैलाना अंकित अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। संचालक कारी इरशाद व हाफिज अयूब ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में आए ASP OP सिंह ने कहा कि प्रोग्राम होना जरूरी है, जिसमें आपसी भाईचारा बना रहता है। उन्होंने कहा कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले में माला डालकर गले मिल रहे। टाइमली की न्यूज सुनने के लिए राजवीर चौधरी जनपद शामली। ये तिरंगा एहसास है हमारी मुल्क की आजादी का। मैं चाहूंगा एक बार इस तिरंगे को देखते हुए आप सब लोग मेरा साथ देते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आपका नारा इस बात का एहसास है, दैनिक कार्यों में कितने भी क्यों न उलझ गए हो, लेकिन आज भी हमारा दिल फड़कता है अपने हिंदुस्तान के लिए। और एक गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, है ना। ये आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस चीज को महसूस भी करते होंगे कि पूरी दुनिया में आप चाहे जहां भी कहीं चले जाइए, इतना खूबसूरत माहौल, इतना खूबसूरत गुलदस्ता,